तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। Now who did this? मजा नहीं आ रहा है। नीमजी करा के भाई इंच दे पो। मैं जिन लोगों की दिल और रूह से इज्जत करता हूं उनमें एक मौलाना मोहम्मद इलियास का कल भी, और मैं उन्हें इस दौर में जिन लोगों ने बड़ा एहसान किया है ना उम्मत के साथ, उन लोगों में एक आदमी मैं उनको जानता हूँ। और उनके अकायद, उनके नज़रियात, वही नज़रियात हैं जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा के नज़रियात और मजबूत अफकार और नज़रियात की मालिक। वो इतना गलत कैसे हो सकता है भाई है? Someone literally said it on live. दत्ता साहब के लिए दुआ करना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके गुनाह बख्श दे। ये देखे ना, इस तरह के ये अजीबो गरीब तरह के भी लोग आते हैं वलियों से चिढ़ने वाले। अल्लाह आपको हिदायत दे, मैं तो आपसे बस इतना ही कहूँगा, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह इनके सदके हमारी बख्शिश फरमाए। नाउज़ बिला सफुला, तोबा तोबा तोबा। ये वलियों का बुक्स निकाले, याद रखिए मेरे भाई, मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। अगर आप जनरल डिस्कशन करें एक कमरे में बैठ के एक कैमरे के सामने, उसकी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप वन टू वन किसी से बात कर रहे होते हैं, उस वक्त आपके अल्फाज का चुनाव वो नहीं हो सकता जो जनरल डिस्कशन में। अजवा, मैं माफी इसलिए मांगता हूं आपसे कि मेरी बच्ची दाहिल है। मैं आपको वसूख से कहता हूं कि यही साहिल अदीम साहब वैसे को लेक्चर देते हुए कहते हैं ना कि पाकिस्तान में 95% औरतें जाहिल हैं, 95% मर्द जाहिल हैं, उसका किसी ने नोटिस नहीं लेना था। लेकिन ये जब वन टू वन डिस्कशन होती है ना, जिसमें वही जेंडर सामने आपके मौजूद है जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर मामला बिगड़ जाता है। और वही कि वो बजाय उस इशू को किल करते और भड़का दिया और जलती पे तेल का काम किया खलील रहमान कमर साहब ने, जो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि बच्ची को माइक ला लो, इन्हें माइक क्यों देता है बेटा। मुझे बताएं, इतना सीनियर आदमी, ये वो लोग हैं जिन्होंने यंग जनरेशन को अखलाकियात सिखानी है और खुद इस हवाले से उन्हें अपने जज्बात पे कोई कंट्रोल नहीं। चले कोई यंग ब्लड हो तो इंसान कह सकता है, इतनी एज में पहुंचा हुआ शख्स, इतना मैच्योर आदमी, मैं उनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूं। लिहाजा ये जितनी जिहादी तंजीमें हैं, जितने खिलाफत के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, जितने इस्लामिक सिस्टम की बात करने वाले लोग हैं, ये जो सादा मुसलमानों को उलझाते हैं ना कि आपको पता है ताहूत का मतलब क्या होता है, आज से पहले आपने ताहूत का लफ्ज सुना और फिर उसे ब्रीफ करना शुरू करते हैं। और ताहूत भी इनके लिए सिर्फ ये रह गया कि जो इस्लामिक सजाएं हैं ये नाफिज हो जाए और एक खलीफतुल मुस्लिमीन आ जाए, जो तसव्वुफ के नाम के ऊपर सबसे बड़ा ताहूत है इस उम्मत में। इस्लाम के पैरेलल में एक रिलीजन लॉन्च हुआ है और इस्लाम का नाम लेकर कब्र परस्ती का दीन, मरे हुए लोगों को मदद के लिए पुकारने का दीन, कुरान और सुन्नत को पसे पुश डालकर बाबों की लिखी हुई किताबों के ऊपर ईमान लाने का दीन, यानी कि दीन है तसव्वुफ। माजरत के साथ, उसकी तारीफें तो खुद हमारे साहिल अदीम भाई करते हैं। गारों इस्लामिक सजाएं होना, इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम होना, पॉलिटिकल सिस्टम होना, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं साथ। इस्लाम में जो असल चीज है ना कि आपने तागूत की मुखालफत करनी है, वो ये है कि आपका अकीदा अकीदा तौहीद होना चाहिए, एक खुदा को मानना। मैं इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट दूंगा, अगरचे मैं उनकी पॉलिटिक्स से बुनियादी इख्तलाफ रखता हूं, और शायद ये अकीदा जो उन्होंने उम्मत के बच्चे बच्चे को रटवा दिया, खुद भी उस मामले में वो कमजोरी का शिकार हुए जब एक दरबार के आगे जाके अपनी बीवी की वजह से गिर गए। बेशरम आदमी। लेकिन उन्होंने हर तकरीर से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत सिर्फ तेरी करेंगे, दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे। मैं तो मौलवी को मचा दूंगा, पुराने फतवे वापस तोड़ जाओगे, तस्वीर बनाना आराम है। फिर के अगर बच सकते हैं इसी सूरत को कि कैमरा देखना आराम, कैमरे के पास से गुजरना आराम, किसी के मोबाइल में कोई क्लिप आ जाए तो दूर से उस मोबाइल को देखना भी आराम, तो थोड़े फिर के बचे जाए, वरना मैं नहीं थोड़ा कोई बाबा छड़ना। बिल्कुल, जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, खत्म नबूवत की कास को नुकसान पहुंचाया, एक एक करके सारे लम्बा पड़ा है। बिल्कुल, हमारा तो एक नारी तुम्हें लेट हुआ मेरा नबी सा है, कोई नहीं तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। इनका ताबूत के खिलाफ जा दिया है, किसी औरत को पर्दा करवा ले, को एजुकेशन खत्म कर दे,
सेकुलर्स का बैंड बजा दें, ऐ तागूत के खिलाफ जाते हैं, जो असल तागूत है बाबे सूफिया जिन्होंने शिर्क फैलाया, रसूलुल्लाह के मुकाबले पे अपने बाबों की तालीबात इस दर्जे में फैला दी कि हम डरते हैं एक मुसलमान को कुरान की आयत बताते हुए कि आगे कुत्ता बन जाएगा। अगर आप मुसलमान को कुरान की आयत कोट करते हुए डरें कि अगर मैंने इसके सामने ये आयत पढ़ी तो देखेगा ये तो गुस्ताखी कर दी इसने, तो आप समझ लें कि ये सामने जिसको आप कुरान पेश कर रहे हैं ना वो सिर्फ पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। वो हमारे उस्ताद सही कहते थे मौलाना साहब कि जब तौहीद बयान करेंगे तो ऑटोमेटिकली गुस्ताखी हो जाती है, क्योंकि तुमने जो तौहीद बनाई हुई है ना वो तौहीद हाई फ्रॉड, वो तो शैतानी तौहीद है। रहमानी तौहीद में प्रॉफिट को भी अगर खुदा के मुकाबले पे खड़ा किया जाए वो प्रॉफिट से मुतल्लिक जो अकीदा है वो तागूती अकीदा है, प्रॉफिट तागूत नहीं है लेकिन वो अकीदा तागूत है, वो शैतान ने आपको सिखाया। वो ना लगो तुसी तागूत दा ऐ तागूत समझाओ ते मैं तकना कि केड़े मीडिया ते तुहाडी तागूत दी डिस्कशन चलदी है, केड़ा डिजिटल चैनल जिहड़ा तुहानूं लैंदा तागूत दी तशरीह करने वास्ते, वो मम्मी डैडी गल्लां करनियां निकलदे रहो एसी वाले कमरे में बैठ के पूरा इस्लामिक निजाम बेशक आप नाफिज़ करते हैं कैमरे के सामने बैठ के वो करते रहे। चलिए यार डिजिटल छोड़ दे, मैं इन सारे लोगों को ये कहता हूं ये अपने कमरों में बैठ के अपने कैमरे के सामने ना ये वाली तौहीद बयान करते हैं, अब तो सान कर दिया ना टेस्ट, ये नहीं कर सकते इससे मजमे चढ़ते हैं। जहां मैंने कहा था ना कि खत्मे नबूवत के कॉपीराइट्स मेरे पास है, थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी को कोई इख्तियार नहीं है कि गुलाम कादियानी दज्जाल को बुरा के तुम सब एक हो, आज मैं नई अनाउंसमेंट कर रहा हूं तागूत के ऊपर बात करने के भी कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि सबसे बड़ा जो तागूत है बाबों का दीन शैतान का दीन जिसमें शिर्क है जिसमें रसूलुल्लाह की तालीमात की बजाय बाबों की तालीमात है, इसके ऊपर से मैं बात करूं किसी की जरूरत नहीं, बाकी तो कस्टोडियन है इसके, वो बात कहां से करें, ये कस्टोडियन है। अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया के मुसलमानों को तागूत का पता है, इस टर्म के साथ नहीं पता लेकिन वैसे उनको पता है, जब मैं से ब्रीफ करूंगा तो आप कहेंगे हमें बातें पता है हमें टर्म नहीं पता थी, तो टर्म तो मुवाहिद भी बड़े कम लोगों को पता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान जो कुरान तर्जमे से पढ़ लेता है वो मुवाहिद बन जाता है, हाँ उसे ये वर्ड ना आता वो मुवाहिद, तो टर्म का नाम आना जरूरी नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ अकीदा जानना जरूरी है, और वो अकीदा जिस तरीके से मैंने नुमाया किया तागूत के हवाले से, तागूत का नाम लेने वालों ने किया वो तो खुद तागूती सिस्टम के बेनिफिशियरी है और तागूती सिस्टम को तकलीफ देने वाले हैं अनजाने में। मैंने कहा था बदनीति की वजह से जाहिर बेचारों की तरबियत कोई नहीं हुई, सीधी सी बात है, इतनी दिलेरी के साथ कोई बोल भी नहीं सकता यार, इस तरह फिर बोल के फिर आप पब्लिक गैदरिंग्स में तो नहीं जा सकते ना, अगर आप ये बोल दें पॉडकास्ट के अंदर कि टीएलपी ये करती है तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में दर्श तो नहीं दे सकते, फिर आपने ये कहना मुझे तो पता ही नहीं टीएलपी क्या है, व्हाट डू यू थिंक, आई एम आस्किंग, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आप बताएं। अच्छा तो अनु तहू तो पता है टीएलपी नहीं पता है, नबी इस्लाम ने मदीने में एक रियासत कायम कर ली थी जिसके हेड आप थे, चीफ जस्टिस भी आप थे, हुक्मरान भी आप थे, और मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम वो अपने फैसले आपसे करवाते थे, क्योंकि आज वाला अदालती निजाम मौजूद नहीं था, कबाइली सिस्टम था, उसमें एक बड़ा होना जरूरी था और वो नबी इस्लाम थे, और ये पूरे कंसेंसस के साथ हुआ था, इसके पीछे दो तीन साल की मेहनत थी, फिर नबी इस्लाम को मदीना से बुलाया गया और उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे हुक्मरान हैं, उसके बावजूद जब उन्होंने अपनी मर्जी का कोई फैसला लेना होता था तो उन काइनों के पास जाते थे, इंसानों में छुपे हुए शयातीन के पास जाते थे, अल्लाह ताला ने फिर उसे कंडेम किया कि ये तागूत से जाके फैसले करवाते हैं, इनका काम था रसूलुल्लाह से फैसला करवाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बुखारी में जब वो अल्फाज आए ना जिब्त और तागूत के सूरह नसा के कॉन्टेक्स्ट में, तो इमाम बुखारी ने हजरत उमर का कॉल एक चैप्टर की हेडिंग में नकल किया कि यहां जिब्त से मुराद बुत और तागूत से मुराद शैतान, ये एक सिंपल सी बात थी। अब मुझे बताएं तागूत लफ्ज का किसी को मतलब ना पता हो क्या शैतान का मुसलमानों को नहीं पता, लिहाजा 95% नहीं 100% मुसलमानों को तागूत का पता है, इस टर्म के साथ नहीं पता, बाकी जो उसकी क्रोलरीज की बात कर रही है ना जो उसकी आगे मुख्तलिफ क्लासेस आती हैं, तो सरकार वो तो आप लोग भी बयान कर रहे हैं, सबसे बड़ी क्लास ये है कि तागूत ये है कि अल्लाह के मुकाबले पर किसी और दीन को मान लिया जाए, इस दीन में मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है और उस दीन में बुजुर्ग बाबे हैं, इसमें आपका रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस दीन में इनके बाबे जो तालीमात देते हैं ना वो दीन है। वलाकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, और बेशक हमने हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजा एक बुनियादी दावत के साथ, अन इबुदुल्लाह के इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत और इज्तिनाब करो तागूत का, यानी इबादत अल्लाह की और अल्लाह के मुकाबले पर किसी की इबादत नहीं करनी। अब मुझे खुद बताइए आप ईमानदारी से अन इबुदुल्लाह के साथ जब वज्तनिबुत तागूत आ रहा है तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें बड़ा बड़ा शिर्क है, आप तागूत की पहचान किस तरह करवा सकते हैं, अल्लाह की इबादत के मुकाबले पर तागूत की इबादत। उसमें जो साहिल अजीम साहब ने बोला ना कि तागूत सबसे बड़ा गुनाह है, ये स्लिप ऑफ टंग है उनका, आज आपको तागूत का पता चला जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है, तागूत गुना नहीं है, तागूत की पैरवी करना गुना है, वो तागूत शैतान भी हो सकता है, अल्लाह के मुकाबले पे कोई निजाम भी हो सकता है, अल्लाह के मुकाबले पे कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आपने मुश्किल कुशा माना हुआ है, किसी भी फॉर्म में बुत भी हो सकता है। तो अल्लाह तआला बेशक हमने हर कौम में कोई ना कोई रसूल भेजा हर उम्मत में एक बुनियादी दावत के साथ कि इबादत अल्लाह की करनी है, और इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंस, ये नहीं है कि नमाज का खुदा और है और हलाल रोजी का खुदा और, नहीं, मस्जिद के अंदर भी खुदा को मानना है, मस्जिद के बाहर भी, टोटल ओबीडियंस। अब आखिर में जो दो दलाइल सामने रखे साहिल अदीम साहब ने, एक तो उसी प्रोग्राम में रखा और बाद में एक और या मकबूल जान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने पूरी तैयारी करके कहा जी मुझे तो उस टाइम मौका नहीं मिला था, मैं वो जाहिल लफ्ज साबित नहीं कर सका, लिहाजा मैं अब जो ना वो दलील पेश करने लगा। अभी मैं दो रेफरेंस उन तमाम लोगों को दे रहा हूं जिन लोगों के अंदर सेंस जिंदा है और कुरान पाक को मानते हैं।
ایسنس ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا. دو میرے سامنے دو بندے, ایک وہ جو کہ علم کی ضد جہل ہوتی ہے, ایک دلیل جو انہوں نے پیش کی سورہ الزمر سے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. تو یہاں علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں, یعنی ایک شخص کو علم نہیں ہے, ایک شخص کے پاس علم ہے, وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عربی میں جس کے پاس علم نہیں ہے اسے آپ اگنورنٹ جاہل کہہ سکتے ہیں, لیکن اردو لنگوسٹک کے اندر ایسے شخص کو ناواقف کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کریں گے تو ساحل صاحب 95% نہیں 100% مسلمان مرد عورت اس ڈیفینیشن میں جاہل ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کے کسٹوڈین علماء بنے ہوئے, بجائے توحید سکھانے کے بابوں کو پکارنا سکھا رہے ہیں, بجائے دین سکھانے کے بزرگوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں. تو تاغوت کے تو خود کسٹوڈین کے لوگ بنے ہوئے, تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. مجھے بتائیں قرآن میں 1000 کے قریب آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, کتنے علماء ہیں جنہیں سائنس کے سپیلنگ بھی آتے ہیں؟ پھر سائنس کے علم سے تو سارے کے سارے ہو گئے نا جاہل, تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں یار, یہ ان کو علم نہیں ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ جاہلیت والی بات, کیونکہ جاہل کا ورڈ ظاہر عرب میں جب استعمال ہوتا ہے زمانے جاہلیت اور پھر ابو جہل تو سیدھا ادھر ہی آتا ہے, اس لیے یہ خطرناک کام ہے جو کیا جا رہا ہے. آخر میں وہ دلیل جو انہوں نے اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام میں پیش کی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ غور سمجھیں, کہیں اے جاہلو, ٹھیک ہے اردو کا محاورہ سنا رہا ہوں پھر عربی میں بتاؤں گا, کیونکہ عربی میں جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہے اس کی ترتیب دوسری ہوتی ہے, اس لیے آپ کو اثر نہیں ہوگا. کہیں کہو ان سے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ اے جاہلو, ایہ الجاہلون, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایسے غیر اللہ کا عبد بن جاؤں. اور مجھے بڑی حیرانگی ہے, کاش سائل عدیم صاحب یہ آیت پیش کر کے اس کا مصداق کون لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے تو دوبارہ کسی مذہبی پروگرام میں جا نہیں سکتے تھے. وہ سورہ الزمر سے انہوں نے آیت پیش کی, قل افغیر اللہ تأمرونی, اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو, اس طرف مائل کرتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے اعبدو, اس کی عبادت کروں؟ ایہا الجاہلون, اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کروں؟ اور عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین. سرکار اس آیت کی شرح تو بیان کریں. اس آیت کی شرح میں اگر آپ یہ نہیں کہتے ٹی وی پہ کہ یا علی مدد کہنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے, تو آپ نے کوئی تاغوت کے خلاف جہاد نہیں کیا, آپ تاغوت کا حصہ بن گئے. اس آیت کو پڑھ کے اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ اور قادیانی دجال یہ سب کے سب ختم نبوت کے ڈاکو تھے, تو آپ نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی. یہ تو توحید کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اور شرک کی مذمت میں ہو رہی ہے. جاہل کہا جا رہا ہے ان کو کہ جو لوگوں کو شرک پر آمادہ کرے, اور شرک ابن تیمیہ والا نہیں, اہل حدیث والا نہیں, شرک جلی غیر اللہ کی عبادت, ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی وائلیشن. آپ پوچھیں کس طرح؟ جناب اس کے ساتھ ہی آیت آ گئی ہے, اس سے اگلی آیت, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی تم فرماؤ بے شک میری طرف بھی یہ وحی ہوئی ہے مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے, بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو, وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور اسی کے شکر گزار بن جاؤ. یہ شرک جلی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. 18 نبیوں کا ذکر کر کے سورۃ الانعام میں اللہ نے اینڈ میں کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے مال بھی ہم برباد کر دیتے. یہ فادر سیک آف آرگومنٹ ہے, انہوں نے کرنا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے لیے سینسٹیو ایریا کون سا ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. میں نے سٹارٹ اور اینڈ بھی اسی بات پہ کیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل تاغوت یہ ہے غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننا اور غیر اللہ کی تعلیمات کو رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر اڈاپٹ کرنا. یہ معصوم عدلیہ, یہ معصوم اسٹیبلشمنٹ, یہ معصوم پولیٹیکل لیڈرز, یہ بیچارے بہت بعد میں آتے ہیں جن کا عام بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی علمی شہابت والی گفتگو ہے جو آپ بیٹھ کے کرتے ہیں, یہ آن والوں کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے, اس کا عام بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ چل پڑھ لکھے لوگوں کی شہابت پہ مبنی گفتگو ہے, عام آدمی کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ختم نبوت کا عقیدہ, نبی الاسلام کو اپنا امام ماننا ہے. باقی ٹھیک ہے, جب اس طرح کی کھیر تیار ہوگی بڑے پیمانے کے اوپر پھر ایون کی پوڈ کاسٹ بھی انہیں دکھا دیا کریں گے کہ ہاں جی اب آپ پہنچ گئے ہیں, آپ کا بچہ بھی ایمبریونک سٹیج پہ نہیں ہے اور آپ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ کس یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. سرکار وہ بچہ پتہ نہیں پیدا بھی ہوتا ہے کہ نہیں, ایمبریونک سٹیج پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایمبریونک سٹیج سے تخلیق کی سٹیج میں آئے, وہ کھیر تیار ہو, وہ بڑی ہو, اور پھر ہم اس کے سامنے یہ اس قسم کی باتیں رکھیں. ہر چیز اسٹیپ وائز ہوتی ہے. نبی اسلام نے آپ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ حضرت علی اور حمزہ کو بھیج کے 360 بت ایک رات میں توڑوا دیتے؟ گوریلا کمانڈو ایکشن نہیں تھے حضور کر سکتے. الٹا 13 سال تک اس قبر کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہم تو بت کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھے, نبی علیہ السلام نے پڑھی, لیکن وہ قبر کی دیوار ستھرا ہو جاتی تھی. پھر بھی غیرت کا تقاضا یہ تھا آپ کی نظر میں کہ ایک رات رو حضرت حمزہ نو تے حضرت علی نو کہتے کہ جاؤ ہاں تواڈے بیڑے میں کسے لگنا, سارے پان دیو تابوت ختم کر دیو. نہیں, 13 سال وہ برداشت کیے, مدینہ شریف میں بھی 8 سال انہیں بتوں والے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 سال بعد فتح مکہ ہوئی ہے, پھر بت ٹوٹے نے. یعنی ایون کی پوڈ کاسٹ کب آئی؟ 21 سالوں کے بعد.
अल्लाह के बंदो गुफ्तगू बहुत अच्छी है, ये हमारे डॉक्टर साहब भी करते थे, इनमें डिस्कशन जरूर करें, प्रैक्टिकली काम अल्लाह की मदद से हम कर रहे हैं, ये काम मुश्किल है, ग्रॉस रूट लेवल से लोगों को उठाना है। और देखें हमारे हक में होने की दलील ये है इस प्लेटफॉर्म के कि हम कभी भी किसी के एफर्ट को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं डॉक्टर सार साहब या मौला मदूदी या और या मकबूल जान या साहिलुद्दीन, मैं कह रहा हूं ये गलत स्टेज के ऊपर ये बातें हो रही है, बातें जरूर करें लेकिन स्टेज ग्रॉस रूट लेवल से लेके। उन्हीं लोगों के जलसों में खड़े होकर आप ताबूत के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो खुद ताबूत के कस्टोडियन है। ये जो एक मफलूजा है ना पाकिस्तान में कि जाहिल हुसैन साहब को ये अल्फाज नहीं ऐसे यूज करने चाहिए, पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ है, इसी को ताबूत कहते हैं। कल्चर नहीं बताएगा सही गलत क्या है, कुरान बताएगा सही गलत क्या है। आपने नई लैंग्वेज और ग्रामर इन्वेंट करनी है, कुरान को सुपरसीड नहीं करेंगे आप। काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अब मैं इसका तर्जुमा अगर उर्दू लिंग्विस्टिक में करूं, अरबी का लफ्ज मकर को यही ले आऊं कि अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह सबसे बेहतर मकार है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फिर उसके बाद मैं लाफ जस्टिफिकेशन दूं कि ये एक टर्म है, जाहिल तो आप इग्नोरेंट को कहते हैं, मकर तो आप खुफिया तदबीर को कहते हैं, अल्लाह के केस में अगर खुदा के दुश्मनों के केस में होगी तो और मतलब है, लेकिन वर्ड एक कॉमन यूज होता है, वो आप फिर क्या मतलब जस्टिफिकेशन देते रहेंगे। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। अपने मोम डैड का तू हर्ट ना दुखा, कितने दुख दर्द से मोम डैड ने पाला तुझको, खुद रहे हंगरी दिया मुंह का बाइट तुझको, लेकिन तूने उनके लिए क्या है किया।